क्या फायदा हुआ बाप के आने का? बाप आया भी, और बाप की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज है श्रीमत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, उसको हम नहीं धारण कर सके जीवन में, तो पुरुषोत्तम संगम युग का फायदा क्या हुआ? कितने ऐसे हैं जो ये अनुभव करते हैं कि ये मौजों का जीवन है, सत्युग से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन हमारा अब चल रहा है। सत्युग तो बाद में होगा, वो तो 16 कला संपूर्ण जीवन होगा, लेकिन संगम युग है 16 कला से भी ऊपर का जीवन, मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है, अति प्रसन्नता का युग है। इससे ज्यादा शांति और किसी युग में हम शरीर के साथ अनुभव नहीं कर सकेंगे, चाहे तो अभी अनुभव कर सकते हैं। वो दुखों से मुक्ति का वर्षा अभी लेने का टाइम है। जीवन में रहते आनंद में स्थिति का अनुभव करने का टाइम अभी है, अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। खुद ऐसे श्रेष्ठ वायुमंडल में रहेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति में रहेंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन में रहेंगे, तो दूसरी आत्माओं को भी दान दे सकेंगे।